मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस लेसन हमारा 18, फूड ऑफ एनिमल्स। जैसे कि आप जानते हैं, सभी एनिमल्स के अलग अलग तरह के फूड होते हैं। स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू लिव। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड फूड। सभी एनिमल्स को रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह के एनिमल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब कि अलग तरह के फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। प्लांट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स, ग्रेन ईटर, इंसेक्ट ईटर, प्लांट्स एंड वेल एज एनिमल्स ईटर। क्या होता है, ये एनिमल्स अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं इनके, इनका फूड जिस तरीके से इनका फूड अलग होता है। जैसे कि होता है प्लांट एडिटर ईटर, तो क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट पौधे। कुछ होते हैं जो मांस खाते हैं, कुछ होते हैं जो अनाज खाते हैं, और कुछ होते हैं जो वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। प्लांट्स ईटर होता है। सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर। काउ, गोट, डियर, जिराफ आर प्लांट ईटर। क्या होता है, ये जो प्लांट ईटर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको हम प्लांट ईटर कहते हैं। जैसे काउ हो गई, गोट हो गई, डियर हो गई, जिराफ हो गया, एंड इनको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर। नेक्स्ट है हमारा ग्रेन ईटर। ग्रेन ईटर का मतलब है जो अनाज खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रेन, दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटर। जैसे कि हमारा कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रेन खाते हैं, जैसे हो गया हमारा पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, पैरट हो गया, हैन हो गया, ये सब क्या है, ग्रेन ईटर। नेक्स्ट है फ्लैश ईटर। इसमें क्या है, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो जानवर। इसमें है सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर। जैसे इसमें हो गया जो सिर्फ मांस खाते हैं, टाइगर, लोयन एंड आर फ्लैश ईटर। ये क्या होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट ईटर, जो सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर। इनको क्या बोलते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, इनको इंसेक्ट ईटर बोलते हैं। जैसे फ्रॉग, लेजर्ड, स्पाइडर एंड इंसेक्ट ईटर। ये क्या होते हैं, सिर्फ इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उनको खाते हैं। प्लांट एंड वेल एज एनिमल्स ईटर, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड प्लांट एंड वेल एज एनिमल्स ईटर। तो इसमें क्या होता है, ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इसमें हो गए बियर, क्रो एंड प्लांट एज वेल एंड एनिमल्स ईटर होते हैं ये। लाइक अस, जैसे कि होता है, ऑल्सो एनिमल्स ऑल्सो हैव ए लाइकिंग फॉर देयर फेवरेट फूड। कुछ एनिमल्स के कुछ फेवरेट फूड होते हैं, फेवरेट फूड फॉर सम एनिमल्स हैव गिव ब्लो। जैसे कि दिया हुआ है, एलिफेंट का फेवरेट फूड क्या होता है, सुगर केन। सुगर केन का मतलब होता है गन्ना। एलिफेंट लाइक टू ईट सुगर केन। एलिफेंट क्या खाता है, गन्ना। नेक्स्ट है रैबिट लाइक टू ईट कैरेट। ये रैबिट है, रैबिट खरगोश का फेवरेट फूड क्या होता है, उसको क्या खाना पसंद है, ईट कैरेट, उसको गाजर पसंद होती है। मंकी लाइक टू ईट बनानास। जो बंदर होते हैं उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बनानास, तो वो बनाना खाता है। पैरट लाइक टू ईट चिलीज। जो तोता होता है वो सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद है, चिलीज, मिर्ची। नेक्स्ट है हमारा यूअर टेस्ट योर सेल्फ। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ए है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। फर्स्ट है गोट एंड डियर आर, क्या है ये, प्लांट ईटर। गोट और डियर क्या खाते हैं, प्लांट ईटर है, क्योंकि वो पौधे खाते हैं। नेक्स्ट सेकंड है फ्रॉग इज ओन, क्या है फ्रॉग, इंसेक्ट ईटर, वो सिर्फ कीड़े मकोड़े खाता है। लोयन एंड टाइगर आर
फ्लैश ईटर, ये मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं ये। स्पैरो और पिजन आर ग्रेन ईटर, इसमें क्रॉस करना है ओड वन पे जो अलग है, इसमें स्पैरो और पिजन क्या है एक जैसे हैं, इसमें से अलग क्या है गोट, तो इस पे राइट जाएगा। ऐसे ही सेकंड में जो इनसे अलग है उन पे राइट करना है, ये मांस खाता है, ये मांस खाता है, ये पिजन नहीं ग्रेन खाता है, तो इस पे राइट करना है। नेक्स्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर। एलिफेंट लाइक टू ईट, एलिफेंट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, शुगर कैन, तो यहाँ पर शुगर कैन पे राइट का निशान आएगा। सेकंड है रैबिट लाइक टू ईट, रैबिट किसको लाइक करता है सबसे ज़्यादा, कैरेट, तो उस पर कैरेट पर राइट का निशान आएगा। मंकी लाइक टू ईट बनानास, मंकी को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, बनानास। यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम करेंगे वर्कशीट, इसी से रिलेटेड हमारी वर्कशीट है। डेट है 6, डे है हमारा थर्सडे, फूड फॉर एनिमल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। इसमें क्या है, ए डैश ईट ग्रास, कौन ग्रास खाता है, काउ खाती है, स्नेक खाता है, तो ग्रास स्नेक तो खाता नहीं है, तो यहाँ पर काउ, काउ यहाँ पर काउ आएगा। सेकंड है बर्ड मेक डैश लैग एग, कहाँ पर रखती है, ले एग, तो कहाँ पर रखती है, नेस्ट, नेस्ट में घोंसला बनाती है वो अपना, वहाँ पर। थर्ड है काउ आर कैप्ट इन ए डैश, कहाँ काउ को कहाँ रखते हैं, शीड में। सेकंड है सर्कल द ओड वन आउट, इसमें से जो अलग है सबसे उसको सर्कल करना है। बिग एनिमल्स में टाइगर, लोयन, एलिफेंट बिग एनिमल्स हैं, इसमें सबसे अलग क्या है, रैबिट, ये तो बिग एनिमल्स हैं नहीं, तो इस पर सर्कल करेंगे। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, बर्ड्स दैट स्विम, जो पानी में होती हैं स्विम करती हैं, तो सबसे अलग इसमें डक है, स्विम में घूस है, इसमें नेक्स्ट ये ईगल, ये नहीं होती है, तो इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एंड टू दैट ईट ग्रास, जो जो एनिमल्स, ऐसे दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो ग्रास खाते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रास खाते हैं वो एनिमल्स आएंगे काउ एंड गोट। नेम टू एनिमल दैट ईट फ्लैश, जो मांस खाते हैं, यहाँ पर दो एनिमल्स के नाम आ जाएंगे। थर्ड है नेम टू एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई। नेम टू एनिमल दैट हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं उन एनिमल्स के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, पैरट हो गया, क्रो, कुछ भी, मतलब कोई भी पक्षी हम बर्ड्स लिख सकते हैं जिसके पंख होते हैं। नेम टू एनिमल दैट हो, जो जंप करते हैं यहाँ पर वो, जैसे कंगारू हो गया, यहाँ पर फ्रॉग भी लिख सकता है, फ्रॉग भी। नेक्स्ट है हमारा 4, मैच द फ्लोइंग वाइल्ड एनिमल्स, इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में। इसी तरीके से इनको सबको मैच करना है। मैच द फ्लोइंग पेयर्स, इसमें क्या है, इसमें मैच करना है हैन, हैन को, हैन क्या देती है हमें, एग, तो यहाँ पर एग में मैच हो जाएगा। शिप हो गया, शिप क्या देती है, वूल। इस तरीके से ये सारे जो जो हमें, जिससे हमें मिलता है वो मैच हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।